हेलो फ्रेंड्स, CSIR क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटा था टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड में। इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे थे ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुआ था, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि ये ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है। ठीक है, देखो अगर हम लोग अपने फूड के बारे में बात करेंगे तो जो हम लोग फूड लेते हैं ये फूड क्या चीज़ का बना होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है और लिपिड का बना होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को ही हम लोग बोलते हैं मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड। तो कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट होता है वही होता है क्या चीज़, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट होता है। मीन्स जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट होता है जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, यही ग्लूकोज क्या होता है, सेल में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्लूकोज जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फूड से आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए कहाँ इंटर करना पड़ेगा, सेल के अंदर इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मान लीजिए ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इसको कहाँ इंटर करना है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। ये वाला सेल का साइटोप्लाज्म, देखो ये वाला सेल का साइटोप्लाज्म, ये मान लो सेल है, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये वाला एरिया क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज कैसे करके इस सेल के अंदर इंटर करेगा साइटोप्लाज्म, क्योंकि जब तक साइटोप्लाज्म नहीं जाएगा तब तक ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो देखो तब क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज कैसे इंटर करेगा। तो देखो ग्लूकोज को इंटर करने के लिए सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक कैरियर प्रोटीन होता है, क्या होता है, एक कैरियर प्रोटीन लगा होता है। इसी कैरियर प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ग्लूट, क्या बोलेंगे, GLUT, ग्लूट। ग्लूट का मतलब हो गया ग्लूकोज, GLU का मतलब हो गया ग्लूकोज, टी का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टर। इसका मतलब ये ऐसा कैरियर प्रोटीन होता है जो ग्लूकोज को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और कहाँ कहाँ लेकर जाता है, साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब हो गया कि जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कैसे करके इंटर करेगा सेल के अंदर, तो हम लोग बोलेंगे ग्लूट ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल के अंदर क्या करेगा, ये इंटर करेगा। देखो ग्लूकोज इंटर हो गया सेल के अंदर, ठीक है, यही इंटर हुआ। अब इसके बाद देखो क्या होता है, ये ग्लूकोज का क्या होगा, अब ये जो ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर कर गया तो क्वेश्चन आता है ये ग्लूकोज का अब क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये ग्लूकोज का हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस होगा। ये ग्लूकोज का क्या हो सकता है, ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो ये ग्लूकोज का हो सकता है ये स्टोर हो सकता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो हम लोग बोलेंगे स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और क्या हो सकता है इस ग्लूकोज का, तो इस ग्लूकोज का, इस ग्लूकोज से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चल सकता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। और क्या होगा इस ग्लूकोज का, और इस ग्लूकोज का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इस ग्लूकोज से सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स भी हो सकता है, सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स। और इसमें आता है, इसमें क्या आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सब आता है। ठीक है, तो देखो ये जो ग्लूकोज जो सेल के अंदर आ रहा है उस ग्लूकोज का क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे उस ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है। ये वाला ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो सकता है, ये ग्लूकोज से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चल सकता है, और इस ग्लूकोज से क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स बन सकता है। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गया, सेल एडिशन प्रोटीन हो गया, और भी हो गया जैसे कि ये सेल रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल हो गया, ये सब बन सकता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग फोकस करेंगे वो फोकस करेंगे किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। तो ग्लाइकोलाइसिस में फोकस करने से पहले देखो ये जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर होता है ये भी अलग अलग सेल में अलग अलग मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि देखो ये जो ग्लूट, ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो है ये अलग अलग सेल में अलग अलग मिलेगा। जैसे कि देखो एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूट वन, ठीक है, एक को बोलते हैं ग्लूट वन। ये जो ग्लूट वन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे RBCs में मिलेगा। ठीक है, RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लूट वन मिलेगा, और ये ग्लूट वन क्या करेगा, ग्लूकोज को ये करेगा, परमिट करेगा। और दूसरा जो ग्लूट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूट टू, ये ग्लूट टू क्या करेगा, तो ये ग्लूट टू भी ग्लूकोज को ये करेगा ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये ग्लूट टू कहाँ मिलेगा, तो लीवर में मिलेगा।
किडनी में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा तो हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाज में भी मिलेगा, मतलब पेनक्रियाज ये सब के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा। और ग्लूट थ्री भी होता है, ये ग्लूट थ्री क्या करेगा, मतलब ये ग्लूट थ्री भी क्या करेगा, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ये मिलेगा कहाँ पर, तो ग्लूट थ्री जो मिलता है वो है ब्रेन में मिलेगा, प्लेसेंटा में मिलेगा और किडनी में भी मिलेगा। तो देखो किडनी में ग्लूट टू भी मिलता है, ग्लूट थ्री भी मिलता है, और जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूट फोर, ये जो ग्लूट फोर होता है ये भी ग्लूकोज को कट को ट्रांसपोर्ट करता है, ये मिलता है स्केलेटल मसल्स में मिलता है, स्केलेटल मसल्स में मिलेगा और ये मिलेगा एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में मिलेगा, ठीक है। और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूट फाइव, ये भी ग्लूट फाइव क्या है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है, ये मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये जो ग्लूट है ना इसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये कैरियर प्रोटीन है, ये अलग अलग सेल में इसका नाम अलग अलग होता है, आरबीसी में हम लोग ग्लूट वन बोलते हैं, लीवर किडनी पेनक्रियाज में ग्लूट टू, ब्रेन प्लेसेंटा किडनी में ग्लूट थ्री, स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू में ग्लूट फोर और स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूट फाइव। जितना भी ग्लूट है सबका एक ही काम है, ये क्या करेगा ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, इसमें से जो ग्लूट वन होता है, ग्लूट टू होता है, ग्लूट थ्री होता है और ग्लूट फाइव जो होता है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। केवल और केवल याद रखना ये जो ग्लूट फोर जो होता है ना, ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर जो होता है वो क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। इसका मतलब ये जो ग्लूट फोर काम करेगा वो किसके प्रेजेंस में काम करेगा, इंसुलिन के प्रेजेंस में, ठीक है, और ग्लूकोज को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो देखो इसका मतलब ये जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर है वो क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया, ग्लूकोज कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। अब ये ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, और हम लोग जानते हैं कि जब ग्लाइकोलाइसिस होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का तो क्या बनता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरूबिक एसिड बनता है। देखो ये पायरूबिक एसिड है, और ये वाला देखो ये जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म में क्यों हो रहा है, बिकॉज साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए जितना भी एंजाइम्स चाहिए वो कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग बोलते हैं साइटोसोलिक या साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज कैसे करके टूट रहा है, ठीक है, थैंक यू।